नसीम उर्फ जलेब खां दावेदार ब्लॉक समिति उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 ने अपने गांव टाई में रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इस दौरान युवाओं को इनाम भी वितरित किए गए। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मरहूम आरिफ टाई की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में 1600 मीटर के विजेता शमसुद्दीन को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया गया, जबकि सेकंड विजेता को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया गया और जबकि तीसरे स्थान पर आने वाले को 1100 रुपये बतौर इनाम दिए गए। नसीम उर्फ जलेब खान ने बताया कि आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे। आपको बता दें, प्रतियोगिता में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों ने इस आयोजन की खूब तारीफ की। नसीम ने बताया कि मरहूम आरिफ टाई की याद में इस तरह के प्रोग्राम लगभग हर महीने आयोजित किए जाएंगे। मेरा नाम है नसीम उर्फ जलेब खान। मैंने एक युवा के कहने पे रेस का आयोजन कराया। इससे युवाओं में उत्साह पैदा होगा और आगे इनको देख के एक दूसरे में और जो सामाजिक बुराई है वो खत्म होंगी। हमारे बच्चे यही है, आगे पहुँचे बढ़िया काम। कितने बच्चे और कितने मीटर की आपने रेस कराई? 1600 मीटर की कराई, दो रेस कराई थी 1600 मीटर की और एक दोनों। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, आगे चल के हमारे पास एक महीने बाद फिर हमारी ऐसी दोबारा इन बच्चों के रेस कराएं। ये पहली रेस है या फिर इसमें पहले भी आपने कुछ कराया? शुरुआत कराई है हमने आज से और हर महीना हम ब्यूरो रिपोर्ट, मेवात टाइम्स।